चलो बेटा चलो, मम्मी पापा कहे तुम्हारे, मारूंगा ना पीछे सामने एक बार में। शिल्पा वैसे राज ने क्या मतलब सीटी बजाई थी, पंख फैलाए थे, क्या किया था जो आपने शादी के लिए हाँ कह दी? पैसे फैलाए। पैसों के अलावा बाहें भी फैलाई उन्होंने। बाहों में पैसे थे। पापा जी आपके पास तो पैसे भी नहीं थे। हाँ। तो सुनीता कैसे पड़ गई? हाँ। क्योंकि सुनीता के पास पैसे थे। पाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गालियां देती है? पाकिस्तान। वो ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि सब समझ में आती है। समझ में आती है। पाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गंदी रहती है, नहाना धोना का ज्यादा परवाह नहीं रहती जिनको? इंग्लैंड। अच्छा आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? वहाँ ठंडी इतनी पड़ती है और ऊपर से उनका पता भी नहीं चलता ना नहाए हुए कि नहीं। पाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा अमीर है? इंडियन टीम। यस क्या बात है। अच्छा खेल जिन्होंने मर्जी शुरू किया हो उनके बारे में एक ही बात आएगी, नहाते नहीं। लेकिन हमारे देश ने उसी खेल में इतनी महारत हासिल कर ली, हमारे प्लेयर्स जो हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है जो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं और हमें इस बात का गर्व भी है हमारे लिए। ओके लास्ट, कौन सी टीम का ध्यान लड़कियों पे रहता है? ऑस्ट्रेलियन। अच्छा मैं हूं करण जौहर और मेरे साथ हैं, रहने दीजिए सर मेरे को जानते हैं, सारा दिन चाय बनाती हैं। हाँ जी ये टीवी बड़ा देखते ना, तो टीवी देखते देखते चाय बड़ी पीते हैं ये। टीवी में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता है जो आप देखते रहते हैं, हमको भी बताओ। मैं ना आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई आइडिया मिल जाए तो इसको मैं जरा काम इसका कर डालूंगा। तो कोई फिर आपको आइडिया मिला? बड़े आइडिया मिले लेकिन सारे फेल हो गए क्योंकि 18 साल से CID देख रही हूँ ना मैं। किसके लिए? बस चार जगह खाली है, चार जगह खाली। क्या क्या चाहिए? प्लीज डोंट इंटरप्ट। अरे यार हाय शक्ति, टैलेंट पे मत बैठ यार। सही है, तो मैंने सोचा कि इतने फाड़ू फाड़ू परफॉर्मेंस आ रहे हैं ना तो तुम्हारे लिगामेंट ना टियर हो जाए, तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए पियर लाया हूँ। दया क्या खबर है? मुझे लगता है ये मर चुका है। मेरे को लगता है ये स्वर्ग सुधार गया है। मुझे लगता है इसकी जान निकल चुकी है। नहीं इसके प्राण पखेरु उड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है अब ये नहीं उठेगा क्योंकि ये मर गया है ना। मुझे लगता है ऐसे भी नहीं कर सकता ये, ऐसे भी नहीं कर सकता ये। क्या लगता है दया तुम्हें इसकी, ये तो वैसे भी नहीं कर सकता। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सबसे पहले काटा लगा था 1972 में आशा पारेक जी को, और फिर 2002 में काटा लगा शेफाली जरीवाला को, अब 2021 में लगा है नेहा को। लड़कियों को ही काटा क्यों लगता है? मेरा कम से कम नहीं तो 20 बार अंगूठा दरवाजे में आके नाखून टूटा, मेरे से एक मुखड़ा नहीं बना। पता है आपका बेटा कभी अच्छे नंबर नहीं लाता। ये है ही ऐसा, नंबर लाने के मामले में इतना बेवकूफ है। कल मैंने कहा पड़ोसन का नंबर ले गया, उसके पति का नंबर ले आया। नंबर लाने में तो है ही नालायक ये। सर आपका बेटा बड़ा होकर स्कूल जाता है, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं उनको? उसका स्कूल क्या, उसका तो खुद का स्कूल कॉलेज है। अपने स्कूल कॉलेज है। तो मतलब इसका घर स्कूल कॉलेज के ऊपर ही है? तो फिर नीचे, तो नीचे ही घर है, नीचे स्कूल कॉलेज है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, कल को रितेश के बेटे के 100 में से 110 नंबर भी अगर आए उसके क्या, मेरे खुद के आए थे।